जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये स्टार्टर मोटर हमारे पास आया है स्कॉर्पियो का। दोस्तों, हमने इसको गाड़ी में से खोला, प्रॉब्लम इसमें ये था कि जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को, तो स्टार्ट रुक के हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग तो हो जा रहा है पर रुक के हो रहा है स्टार्टिंग। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग इसको खोला गया है। अब इसको खोलने के बाद दोस्तों इसका चेक करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। वैसे दोस्तों, इसमें ज़्यादातर ख़राब होने वाला जो चीज़ है वो इसका कार्बन होता है, आर्मेचर होता है और बैंडेक्स होता है। दोस्तों, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है स्कॉर्पियो में और बोलेरो में। मैक्सिमम ये सेल्फ सब में आता है। मतलब इसका थोड़ा सा स्कॉर्पियो और बोलेरो का जो फ़र्क है, सिर्फ ये है कि इसका जो बैंडेक्स है उसमें 349 आता है, इसमें 690 आता है। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने सारा सेल्फ को पहले खोल लेंगे। दोस्तों, इसको खोल कर पहले तो साफ़ कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सेल्फ को हम लोग खोलते हैं तो पहले इसको अच्छे से पेट्रोल से हम लोग क्लीनिंग कर देते हैं, ताकि जो भी इसके अंदर डस्ट वस्ट हो वो सब क्लीन हो जाए। दोस्तों, तो जिस देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक बोल्ट इसका स्विच का खुल गया था और दो बोल्ट एकदम ख़राब हो गया था, इस वजह से खुल नहीं रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने इसको काट के निकाल दिया, देखिए। और इसके अंदर हाउसिंग में ये देख सकते हैं, साइड से हल्का सा काट दिए हैं। इससे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाउसिंग कुछ ख़राब होगा नहीं दोस्तों। और साइड से हल्का हल्का काटेंगे तो बोल्ट निकल जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कास्टिंग का होता है तो इजीली कट भी जाता है। तो और दोस्तों, ये जो बोल्ट इसके अंदर फंस गया है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको सारा सेल्फ को हम लोग पूरा खोल लेंगे बाहर। खोलने के बाद अभी देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका जो कार्बन है और आर्मेचर है। दोस्तों, मैक्सिमम यही दो चीज़ ख़राब होता है दोस्तों, इसका कार्बन और आर्मेचर। पर दोस्तों, हमने इसमें देखा कि इसका जो कार्बन था वो पूरा अच्छे से आर्मेचर पर पकड़ नहीं रहा था। मतलब इसका आर्मेचर पूरा कम्यूटेटर इसका रेड रेड हो गया था, लाल हो गया था। दोस्तों, इसी वजह से इसको हमने क्या किया कि इसको कार्बन इसको रिप्लेस हमने सोचा कि कर देंगे, ओके हो जाएगा हमारा सेल्फ। अगर उसके बाद भी कुछ दिक्कत आएगा तो फिर देखेंगे, पर दोस्तों वैसे दिक्कत आता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी बनाते हैं तो एकदम प्रॉपर सब कुछ देख के चेक के करके बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग सारा सेल्फ स्टार्टर मोटर को इसको धुल लेते हैं। धुलने का मतलब ये रीज़न आपको मैं हर सेल्फ के बारे में यही बताता हूँ दोस्तों, कि एक बार आप भी अगर खोल रहे हैं, मैकेनिक हैं आप, तो एक बार इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लें। जैसे ही क्लीन करेंगे तो एकदम सेल्फ तो ऐसे न्यू जैसा हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्लीन कर लें। सारा सेल्फ को हम लोग धुल लेंगे, उसके बाद हम आपको फिटिंग की तरफ ले चलेंगे और फिटिंग बारीक से एकदम दिखाएंगे कि कैसे इसका फिटिंग होता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा सेल्फ स्टार्टर मोटर हमने पूरा क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही दोस्तों हमारा सेल्फ स्टार्टर कंप्लीट ये हो चुका है धुला कर, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हाउसिंग लेकर इसके अंदर जो इसका बूस्ट लगा है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस और इसके जो शाफ्ट, ये जो बैंडेक्स वाला शाफ्ट है, EGT से बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस पर हल्का सा ग्रीस लगा के इसका फॉर्क जो है इसको हम लोग बिठा देंगे, ये देख लीजिए आप। और इसका जो जिस साइड से बैठता है उसमें हल्का सा गैप रहता है दोस्तों, तो वहाँ पे उसी जगह पे बैठाएंगे, वैसे बैठ जाएगा। प्लस इसका जो पिस्टन है इसके साथ में ही बिठा दीजिए, ताकि वापस निकालना ना पड़े। जैसे ही पिस्टन लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो रबड़ है दोस्तों, इसको एक बार लगा देना है, देख लीजिए। और ये पिस्टन को ऊपर नीचे डाउन करके देख लीजिए कि ये जो EGT है वो राउंड कर रहा है कि नहीं। अगर बैठा नहीं रहेगा तो दोस्तों राउंड नहीं करेगा। तो इसलिए अब दोस्तों, इसका जो सोलेनोइड स्विच है इसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल दे, ताकि इसका जो पिस्टन है वो फ्री रहे एकदम, और अप डाउन जैसे ही हम लोग सेल्फ मारते तो अप डाउन करता है तो वो फ्रीली एकदम काम करे। तो दोस्तों, इसका जो तीनों स्क्रू जो हमने मतलब निकाला था, तो एक स्क्रू तो सही था पर दो ख़राब था, तो दोनों हमने न्यू ले लिया स्क्रू और इसको फिटिंग कर देंगे एलेंकी के मदद से। दोस्तों, फिटिंग के बाद दोस्तों इसका जो आर्मेचर है उसको हम लोग पॉलिश पेपर मार के रेडी कर देते हैं। उसमें कार्बन हम लोग लगाना है, कार्बन लगा दिया जाएगा। कार्बन जैसे ही लगाएंगे हमारा सेल्फ ऑलमोस्ट ओके हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, EGT को अच्छे से एलेंकी से ही टाइट करें दोस्तों। बहुत लोग ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बोल्ट 8 नंबर का डाल देते हैं लोग, तो उससे क्या होता है कि स्विच उसका ख़राब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है स्विच शॉर्टिंग करने लगता है दोस्तों, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो इसका ओरिजिनल बोल्ट स्विच का है वही लगाएँ। वैसे मिलता नहीं है, पर दोस्तों क्या है कि हम लोगों के पास इतना सारा सेल्फ खुलता है तो कहीं ना कहीं से निकला रहता है, या नया स्विच लगाए तो उसके साथ भी तीन स्क्रू आता है तो वो भी बच जाता है। तो इसी तरह से स्क्रू आप यूज करें, इसका लगा दें एलेंकी वाला, स्टार एलेंकी रहता है जो। उसके बाद दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसका जो तीनों चक्कर है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा दीजिए, ताकि ये जब राउंडिंग करे सेल्फ तो ईजिली घूमे, मतलब जाम ना घूमे। उसके बाद दोस्तों, ये देख लीजिए,
आर्मीचर को हम लोग पॉलिश पेपर मारकर इसके ऊपर जो इसका जो पॉइंट है मतलब बीच में जो खाँचा है उसके अंदर से जो कचड़ा बैठा रहता है कार्बन का दोस्तों, उसको आप लोगों को निकाल लेना है, ताकि निकाल लेंगे तो जब नया कार्बन आप बैठाएंगे तो उस पर पकड़ने में उसको आसानी हो दोस्तों। जब कचड़ा अगर रहेगा तो वो जैसे ही सेल्फ मारेंगे तो वो खाली फ्री घूम जाएगा, पकड़ेगा नहीं। तो अगर ये इसके अंदर जो कचड़ा भर गया रहता है, जो बनाता है मैकेनिक उसको अच्छी तरह से आइडिया है, उसके अंदर कचड़ा रहता है तो उसको हमेशा साफ़ करता है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग ओरिजिनल इसका माइको का कार्बन ले लिए हैं, इसको हम लोग फिटिंग कर देंगे। और इसके ऊपर देखिए शाफ्ट के ऊपर दोस्तों थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे, ताकि इसका बूस जो बैठता है यहाँ पे प्लेट के ऊपर बूस रहता है वो भी फ्री रहे एकदम। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर का लॉक लगा देना है, लॉक लगाकर इसका ऊपर का जो दोनों स्क्रू है इसको हम लोग कस लेंगे। 7 नंबर स्क्रू आता है दोस्तों, पेचकस से ये कसा टाइट होता है। उसके बाद दोस्तों हाँ ये देख लीजिए एक बार, ये भी लॉक के ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीस लगाएं, ताकि इसके अंदर जो लॉक रहता है वो कभी जाम ना हो। जाम हो जाएगा तो क्या है, इसका जो ऊपर का शाफ्ट है दोस्तों वो रेड हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा सब में नहीं होता, एक ऐसा रहेगा जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ना आए अगर आपके रिपेयरिंग में, इसके लिए इसके ऊपर ग्रीस थोड़ा सा लगा दें। उसको दोनों स्क्रू को एकदम प्रॉपर टाइट कर मजबूत ढीला रखेंगे तो सेल्फ लोड लेगा। जैसे ही गर्म गाड़ी होती है उस समय लोड लेने लगता है, क्योंकि इसका कार्बन प्लेट को अर्थिंग नहीं मिलता है, इसलिए इसको पूरा टाइट कर लें। ये देख सकिए दोस्तों, मैंने घुमा के चेक कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके मैग्नेट कोयल बॉडी में बिठा देना आपको, और डायरेक्ट सेल्फ के अंदर इसको थोड़ा सा ग्रीस लगाकर बिठा देंगे हम लोग। बिठाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसको हम लोग बिठा देंगे पूरे बॉडी को। और इसका जो दोनों मेन बोल्ट है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हल्का सा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये बैठता नहीं गियर में, तो आप लोग क्या करना है, पीछे से इसका पेचकस से थोड़ा सा इसका बैंडेक्स है जो थोड़ा सा घुमा देंगे तो अपनी जगह पर जाके ये बैठ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत में ऐसे ही बैठ जाता है, बहुत में थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ता है। जैसे ये वहाँ पे घूम जाएगा, ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक यहाँ पे गैप में आ जाएगा। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, किसी चीज़ से हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से हैमर से आपको हल्का हल्का ठोकेंगे तो ये बैठ जाएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, बोल्ट इसका टाइट कर देंगे। बोल्ट टाइट करने के बाद इसका टेस्टिंग में चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर। Yeah.